या सबसे पहले बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, ना तो गर्ल्स के लिए है ना तो बॉयज़ के लिए। और दूसरे कि सर यहाँ पे जो पास में बाथरूम है जिसके कारण ना क्लास में बहुत ज़्यादा बदबू आता है, तो हमारे लिए और ना तो हमारे लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब एक ही जगह बड़ा हॉल नहीं है जिसमें हम सबको एक साथ बैठ सके। कैसे बात किए हैं आचार्य लोग बोलते हैं कि अभी बातचीत चल रही है उसके आगे पर। कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे जो कक्षाएं हैं वहाँ जहाँ पर हम लोग बैठते हैं वहाँ से प्रदूषण है बहुत, तो उससे बदबू आ रही है और टीचर के बैठने के लिए भी समस्या है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसके लिए भी समस्या है। और हम लोग को पूरा 5 घंटा यहाँ बैठना तो पड़ता है और बिजली भी नहीं है, ऊपर से टीचर आए अपना 40 मिनट पढ़ाए चलेगा, लेकिन हम लोग को कंटिन्यू 5 घंटे बैठने में बहुत तकलीफ जाता है। दिन भर वहाँ बदबू क्लासरूम से आते रहती है, तबीयत बिगड़ जाती है कई लोगों की। समस्या का समाधान तो दूर दूर तक कभी इतने जल्दी होने की कोई बात नहीं दिखाई पड़ रही है। जब यहाँ आने के पहले तो और भी स्थिति बहुत गंभीर थी, विकट परिस्थितियों में आए हम क्योंकि परीक्षा भी कंडक्ट कराना था, पीजीबीटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर था हमको कि जल्दी से खाली कीजिए। उस हालत में मैं वहीं पूरक संपन्न कराती तो मेरे लिए बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना मुझे करना पड़ता।